Hello friends, welcome to our channel Gyan for You. श्री पवन पुत्र जी को सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं? अद्भुत रामायण की एक कथा के अनुसार एक बार जगत माता जानकी अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। उसी समय हनुमान जी आ गए और सीता जी से वो सिंदूर लगाते देखकर बोले, माता जी, यह लाल द्रव्य जो आप मस्तक में लगा रही हैं, यह क्या है? इसके लगाने से क्या होता है? श्री हनुमान जी का प्रश्न सुनकर सीता जी क्षण भर चुप रही। तत्पश्चात बोली, यह सिंदूर है, इसके लगाने से प्रभु श्री राम दीर्घ आयु होते हैं और सदैव प्रसन्न रहते हैं। चुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभु श्री रामचंद्र जी की दीर्घ आयु और प्रसन्नता की बात माता जानकी के मुख से सुनकर श्री हनुमान जी ने विचार किया कि जब थोड़े से सिंदूर लगाने से प्रभु की लंबी उम्र प्राप्त होती है, तो क्यों न मैं संपूर्ण शरीर पर सिंदूर पोत कर प्रभु को अजर अमर कर दूं। और उन्हें वैसे ही किया, संपूर्ण तन पर सिंदूर पोत कर वे दरबार में पहुंचे और श्री राम जी से कहने लगे, प्रभु प्रसन्न होइए। हनुमान जी का सिंदूर पोत शरीर देखकर श्री राम हंसने लगे और हंसते हंसते बोले, बस ये कैसी दशा बना कर आए हो? जब हनुमान जी ने सारा वृतांत बताया, सारी बात सुनकर श्री राम जी अति प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम जैसा मेरा भक्त अन्य कोई नहीं। तत्पश्चात उन्होंने हनुमान जी को अमर तत्व प्रदान किया। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट दीजिए।